नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त विकास। आपका विकास यादव ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे IRCTC रेल कनेक्टिंग ऐप से बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपका समय ज़्यादा न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्टिंग ऐप को खोलेंगे। खोलने के बाद माई बुकिंग्स पे जाएंगे, वहाँ पे अपना लॉगिन पिन इंटर करेंगे। लॉगिन पिन इंटर करने के बाद कैप्चा को इंटर करेंगे। लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होने के बाद आप माई बुकिंग पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने अपना टिकट बुक किया, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं जेट फेस्टिवल, उस पर क्लिक करेंगे पहले वाले पे। उसके बाद मानो हमारा बोर्डिंग पॉइंट जौनपुर से है तो मैं अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो टिकट डिटेल के आगे तीन डॉट है उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पे आ रहा है करंट स्टेटस, कैंसिल टिकट, चेंज बोर्डिंग पॉइंट। तो तीसरे ऑप्शन पे चेंज बोर्डिंग पॉइंट पे जाएंगे। चेंज बोर्डिंग पॉइंट पे जाने के बाद मानिए मैं मुझे बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है सुल्तानपुर से, तो मैंने सुल्तानपुर गया और यहाँ पे नीचे लिखा है अपडेट बोर्डिंग पॉइंट, तो उस पर मैं क्लिक कर देंगे और लिख रहा है डू यू वांट टू प्रोसेस टू बोर्डिंग पॉइंट चेंज रिक्वेस्ट फॉर एनी बोर्डिंग पॉइंट स्टेशन सुल्तानपुर, मतलब अपना कंफर्म करना चाहते हो तो मैंने कंफर्म पे क्लियर किया और कंफर्म पे क्लियर करने के बाद उसके बारे में बताया, मैंने ओके किया और उसके बाद मेरा बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो गया है। अब मैं जब उस पर क्लिक करूँगा तो देखूँगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फिर क्लियर किया क्लिक तो यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे आप लोग हमारा बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो गया सुल्तानपुर से अम्बाला। तो मुझे आशा है कि आप बहुत छोटे वीडियो में सीख गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।